गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अ न्यू चैप्टर, सो चेक आउट योर डिस्कवरिंग इंग्लिश बुक. ओके, डिस्कवरिंग इंग्लिश ग्रेड 1 एंड ओपन योर पेज नंबर 68. पेज नंबर 68, चैप्टर नंबर 6 एंड नेम अ क्राउन फॉर द क्लॉन. इट मींस एक जोकर. स्टूडेंट्स सभी जानते ना उसका ताज, जोकर का ताज, जो हम आपका जो हेड होता है ना, हेड के ऊपर जो हम पहनते हैं एक ताज, वो मुकुट कहलाता है ताज. ठीक है, तो चैप्टर का नेम है आपका अ क्राउन फॉर द क्लॉन. यस, पेज नंबर ओपन करेंगे हम 70. यस, पेज नंबर 70. यस स्टूडेंट्स, हम चैप्टर को रीड करने से पहले यहाँ आप देख रहे हैं कुछ न्यू वर्ड्स, इन्हें हम रीड करेंगे ताकि हमें चैप्टर को रीड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. फर्स्ट वर्ड इज क्लॉ. स्टूडेंट्स आप पिक्चर देख रहे हैं, किसका है? किसी बर्ड के पंजे का. ठीक है ना, तो क्लॉ को हम क्या बोलते हैं? पंजे. आप पिक्चर देख के पहचान गए ना? यस. नेक्स्ट इज ब्रिक, मीन्स ईंट. ओके, नेक्स्ट स्टैंड. आप देख रहे हैं यहाँ पर एक स्टैंड जहां पर क्या सूख रहे हैं? क्लॉथ्स. ठीक है ना, स्टैंड. नेक्स्ट फ्लूट मींस बांसुरी. ओके, ग्रिन जिसका मींस होता है मुस्कुराना. आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, बॉय क्या कर रहा है? मुस्कुरा रहा है ना. ये आपके न्यू वर्ड्स एंड हम आ जाएंगे पेज नंबर 71 पर. यस एंड स्टूडेंट्स, आज हम रीड करने वाले हैं साउंड्स. देख रहे हैं ना, हम सभी चैप्टर्स में हम साउंड्स ही रीड करते हैं, लेकिन अलग अलग लेटर्स के होते हैं. तो आज हम साउंड को रीड करने वाले हैं जो आपका स्टार्ट होगा बी एल साउंड्स, जिसका मींस लिखा हुआ तो लेटर में बी एल है, बट हम उसको बोलेंगे ब्ल. क्या साउंड आएगा? ब्ल साउंड. इसे हम और समझने के लिए इस पैराग्राफ को पहले रीड करते हैं. देखिए, द स्काई इज ब्लैक. स्टूडेंट्स आया ना ब्ल साउंड? ब्लैक, ब्ल, बी एल पहले है ना. यस, द स्काई इज ब्लैक मीन्स स्काई कैसा है? ब्लैक है मीन्स काला है. माई ब्लैंकेट इज ब्लू. ब्लैंकेट कैसा है? ब्लू है. एवरी नाइट आई प्रे. एवरी नाइट हर रात को मैं प्रे करता हूँ. मे गॉड ब्लेस यू. ओके, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ब्लैक, ब्लैंकेट, ब्लू, ब्लेस, ये सभी क्या है? हमारे बी एल साउंड्स. ओके, बी एल से स्टार्ट है जिसमें हम ब्ल साउंड का यूज करके इसको रीड कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस जोन 1. इट्स टाइम टू प्रैक्टिस जोन 1. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, पहले हम पैराग्राफ या जो भी आपका पेरा होता है, पोम होती है, उसे हम रीड करते हैं, फिर उससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस जोन में उसकी प्रैक्टिस करते हैं. यस, देखिए प्रैक्टिस जोन में क्या है. सर्किल 5 वर्ड्स विच बिगिन विद बी एल मीन्स ब्ल इन द वर्ड ग्रिड ब्लो. आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारे लेटर्स दिए हुए हैं, लेकिन हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, कि हमें इसमें से 5 वर्ड्स को सर्च करना है. कौन से साउंड से? ब्ल साउंड से, मीन्स बी एल होना चाहिए. जैसा कि आप फर्स्ट देख रहे हैं, बी एल ए एन के ई टी, ब्लैंकेट. फर्स्ट वर्ड हमें मिल गया ब्लैंकेट, तो आप इसे सर्किल कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट देखिए बी एल ओ सी के, ब्लॉक. आप इसे भी सर्किल करेंगे, 2 वर्ड्स हो गए. यस, नेक्स्ट देखिए यहाँ से बी एल ए एम ई, ब्लैम मीन्स होता है आरोप लगाना या दोष देना, ब्लैम. थर्ड वर्ड नेक्स्ट इज ब्लैंक, बी एल ए एन के, ब्लैंक. ओके, ये सभी हम वर्ड्स किसके सर्च कर रहे हैं? ब्ल साउंड के, बी एल साउंड. ओके, नेक्स्ट देखिए ब्लू एंड लास्ट 5 वर्ड है ये आपका, बी एल यू ई, ब्लू. कंप्लीट? यस, अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 72 पर. यहाँ स्टूडेंट्स हम रीड करने वाले हैं ब्र साउंड. लिखा हुआ बी आर देख रहे हैं आप, और हम जब इसको रीड करेंगे तो साउंड में क्या आएगा? ब्र. देखते हैं, आई ब्रश माई टीथ. ब्र आया ना स्टूडेंट्स? आई ब्रश माई टीथ मीन्स मैं अपने टीथ को क्या करता हूँ या करती हूँ? ब्रश. ओके, देख रहे हैं पिक्चर में आप? ओके, नेक्स्ट दिस इज अ ब्राउन कार.
कार कैसी है? ब्राउन, मीन्स ब्र साउंड का ब्राउन. नेक्स्ट, आई लव टू ईट ब्रेड. मुझे क्या खाना पसंद है, क्या अच्छा लगता है? ब्रेड खाना. तो ब्र साउंड ब्रेड. ओके, नेक्स्ट, कैन यू ब्रेक द स्टिक. क्या आप इस स्टिक को तोड़ सकते हैं? ब्रेक, ब्र साउंड आ गया हमारा. एंड लास्ट, दिस इज अ ब्रेक. ये क्या है? ईट है. दिस इज अ ब्रेक. ओके, अब जो हमने ब्र साउंड से रीड किया है, अब हम इसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस जोन टू में करने वाले हैं. देखते हैं. लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द वर्ड्स बिगनिंग विद ब्र साउंड. हमें पिक्चर्स को देखना है और ब्र साउंड के ही ये वर्ड्स सारे पिक्चर्स हैं, तो हमें यहाँ पर उसको कंप्लीट करना है. लेकिन साउंड्स किसका होना चाहिए? ब्र साउंड ही होना चाहिए. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, बॉय क्या कर रहा है? स्टिक को ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है. तो ब्रेक के लिए ब्र साउंड आ रहा है आपका, तो बी आर ई ए के यहाँ आप मेंशन कर देंगे. नेक्स्ट, ब्रिक, बी आर आई सी के, ब्रिक. नेक्स्ट, ब्रश, बी आर यू एस एच, ब्रश. एंड लास्ट, ब्रेड. ओके, कंप्लीट है पिक्चर्स के अकॉर्डिंग. जो पिक्चर में है तो हमने ब्र साउंड कंप्लीट किया. ओके, एंड नेक्स्ट हम आ जाएंगे पेज नंबर 73. यस, पेज नंबर 73 में स्टूडेंट्स हम रीड करने वाले हैं क्ल साउंड. ओके, मीन्स यहाँ हम जितने भी वर्ड पढ़ेंगे उसको आप साउंड में, क्ल साउंड आपको सुनाई में आएगा. देखते हैं कैसे. यस, फर्स्ट सेंटेंस इज द क्लॉक, मीन्स घड़ी. द क्लॉक गोज टिक टॉक टिक टॉक. यू नो स्टूडेंट्स, क्लॉक कैसे करती है? टिक टॉक टिक टॉक करती है ना. यस, तो फर्स्ट वर्ड हमें क्ल साउंड का क्या मिला? क्लॉक. नेक्स्ट, क्लबी. क्लबी क्या होता है? ये जोकर जो आप देख रहे हैं फुटबॉल को कैसे कर रहा है, ये जंप कर रही है ना सारी फुटबॉल्स, बट ये इसको नीचे नहीं गिरने देगा. तो ये आपका क्लबी. क्लबी द क्लोन गोस क्लिक की क्लिक. ओके, क्लबी क्लोन, ये वर्ड्स हमारे किसके हैं? क्ल साउंड के. ओके, नेक्स्ट, द बैल्स गो क्लैंग 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 क्लैंग. क्लैंग का मीन्स होता है स्टूडेंट्स बजना. बेल किस क्या करती है? बजती है ना. अगर आप उसे बजाओगे तो वो साउंड क्रिएट करती है ना. तो क्लैंग मीन्स क्या होता है? बजना. नेक्स्ट, एंड हैप्पी हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप. हैप्पी हैंड्स क्या कर रहे हैं? क्लैप कर रहे हैं. आप देख रहे हैं ना यहाँ पर. यस, अब हमने जो क्ल साउंड कंप्लीट किया है उसकी प्रैक्टिस हम किस में करने वाले हैं? प्रैक्टिस जोन थ्री में. लेट्स स्टार्ट. ओके, राइट क्ल इन द स्पेस गिवन टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स. आप स्टूडेंट्स यहाँ पर पिक्चर्स देख रहे हैं, कुछ लेटर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं और हमें क्या करना है? क्ल मीन्स सी एल को ज्वाइन करके वर्ड को कंप्लीट करना है. इट्स वेरी सिंपल. लेट्स वी स्टार्ट. यस, ए पर देखिए आप, ओ यू डी स्पेस में आप सी एल लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? क्लाउड. सी एल O U D cloud. Next, O W N on. इसमें हम C L add करेंगे तो क्या हो जाएगा? Clown. Means क्या बताया था मैंने आपको starting में? मुकुट. ये आप जोकर के ऊपर ये देख रहे हैं ना, ये इसे बोलते हैं हम clown. Next, C app लिखा हुआ है, इसमें हम C L write down करेंगे तो ये हो जाएगा clap. Next and last, D O C K. पिक्चर किसका है? इट इज अ क्लॉक. सी एल लिखेंगे तो ये हमारा वर्ड कंप्लीट हो गया, क्लॉक. एंड पेज नंबर 74 पर हम आ जाएंगे. यस, यहाँ स्टूडेंट्स हम फ्ल साउंड किसको स्टार्ट करने वाले? फ्ल साउंड. ठीक है, बिगिनिंग विद द फ्ल. एफ एल जो आप देख रहे हैं सामने, फ्ल साउंड से स्टार्ट होगा. जैसे देखते हैं, द फ्लाई फ्लू टू द फ्लावर. फ्लाई फ्लू फ्लावर, देख रहे हैं आप फ्ल साउंड का? यस. नेक्स्ट, आई एम प्लेइंग द फ्लूट. क्या कर रहा है ये? बांसुरी बजा रहा है ना, तो आई एम प्लेइंग द फ्लूट. नेक्स्ट, दिस इज आवर नेशनल फ्लैग. ये क्या है? हमारा नेशनल फ्लैग. नेक्स्ट, कैन यू फ्लिप द पेजेस. देख रहे हैं पेजेस कैसे हो रहे हैं? फ्लिप हो रहे हैं ना. यस, तो फ्लिप, फ्लैग,
fly, flew, flute, these are fl sounds. Okay, ये क्या है highlighted जो words आप देख रहे हैं, ये fl sounds. Okay. Practice zone 4. इसकी practice हम किस में करने वाले हैं? Practice zone 4 में. देखते हैं क्या करना है हमें. Look at the pictures and make sentences using this. हमें pictures को देखना है और this वर्ड का यूज़ करके हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है. एक आपको करके दिया हुआ, देखिए वन हैज़ बीन डन फॉर यू. तो देखते क्या करके दिया, दिस इज़ अ फ्लैग. दिस का यूज़ किया है, पिक्चर क्या है, फ्लैग. तो क्या है सेंटेंस यहाँ पर, दिस इज़ अ फ्लैग. तो इसी तरीके से हम बनाने वाले हैं, जैसे पिक्चर हम देख रहे हैं मधुमक्खी का. ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे दिस इज़ अ बी. नेक्स्ट दिस इज़ अ फ्लावर. एंड लास्ट दिस इज़ अ फ्लूट. पेज नंबर 74 कंप्लीट. ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 75. यहाँ स्टूडेंट्स हम पेज नंबर 75 पर प्ल साउंड, बिगनिंग कहाँ से होगा, प्ले साउंड से. ठीक है, प्ल, प्लक, प्लेंटी ऑफ प्लम्स. प्लम्स क्या होते हैं आपके, बेर, खाने वाली. देखिए आप नीचे रखे हुए ना, प्लम्स. प्लक प्लेंटी यानी क्या, तोड़ा. प्लक प्लेंटी, शुद्ध प्लम्स को प्लक किया, तोड़ा. प्लेस देम ऑन अ प्लेट, फिर उन्हें कहाँ रखा, प्लेट में. वॉश देम एंड दे आर रेडी, उनको धोया और अब वो तैयार है. वॉश मीन्स धोना, अब वो तैयार है. लेट्स बेक अ प्लम केक, क्या बनने के लिए रेडी है, प्लम केक. प्रैक्टिस जोन में हम प्लस साउंड के वर्ड्स को राइट करेंगे. राइट थ्री वर्ड्स बिगिनिंग विथ प्ल. तो हमें सिर्फ इसमें क्या करना है, हमने देखिए यहाँ पर कितने सारे प्लम प्लस साउंड के वर्ड्स को रीड किया है, तो हमें तो यहाँ पे प्रैक्टिस जोन 5 में ओनली 3 वर्ड्स लिखना है. इट्स अ वेरी इजी. तो हम फर्स्ट वर्ड लिखेंगे प्लम, नेक्स्ट प्लेट, नेक्स्ट प्लग. ओके, एंड कम टू द पेज नंबर 76. पेज नंबर 76, वर्ड्स बिगिनिंग विद द प्र साउंड. यहाँ स्टूडेंट्स हम रीड करने वाले हैं प्र साउंड. देखिए कैसे, राम वोन अ प्राइज, प्र साउंड आ गया हमारा. राम ने क्या जीता, प्राइज जीता. ठीक है, ही इज अ प्रिंस, वह राजकुमार है. आई प्रे बिफोर आई गो टू बेड, मैं बेड पर जाने से पहले क्या करता हूँ, प्रे. प्लीज प्रेस माई शर्ट, मेरी शर्ट को क्या कर दो, प्रेस कर दो. द बेबी इज इन द प्रम, मीन्स क्या होता है, आप देख रहे हैं बेबी कहाँ पर है, बेबी अपने इस बच्चे की जो गाड़ी होती है, जो बेबी होता है उसकी गाड़ी को बोला जाता है प्रम. आप यहाँ देख रहे हैं, यस. नेक्स्ट प्रैक्टिस जोन 6, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स बिगिनिंग विद प्र. हमें क्या करना है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में जो लेटर्स कंप्लीट करने हैं, लेकिन किससे, कौन सा साउंड का होना चाहिए, वो प्र साउंड से स्टार्ट होता हो. ठीक है, पी ऑलरेडी मेंशन है, आई भी है, तो हमें क्या करना है, पिक्चर में आप देख रहे प्राइज, तो आप यहाँ पर लेटर लिखेंगे आर एंड जेड ई, प्राइज. नेक्स्ट पी आर ऑलरेडी मेंशन है, हम यहाँ लिखेंगे आई एंड सी, ये वर्ड हमारा मिल जाएगा प्रिंस. नेक्स्ट पी ए, पी आर ए एम, प्रम, बच्चे की गाड़ी बन गई है प्रम. नेक्स्ट पी ऑलरेडी है, आर आई सी ई, प्राइज. नेक्स्ट पी आर ए वाई, प्रे, क्या कर रहा है बॉय, प्रे कर रहा है ना, तो पी आर ए वाई, प्रे. इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने प्र साउंड के वर्ड्स जो हैं कंप्लीट कर लिए प्रैक्टिस जोन 6 में. अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 77. यहाँ स्टूडेंट्स हम रीड करने वाले हैं ग्र साउंड, वर्ड्स बिगिनिंग विद द ग्र साउंड. शी गॉट एन ए प्लस ग्रैड, आ गया आपका ग्र साउंड. शी गॉट एन अ ए प्लस ग्रेड. नेक्स्ट ग्रेप्स आर ग्रीन, ग्रेप्स कैसे हैं, ग्रीन हैं. नेक्स्ट द प्लेस इज ग्रैंड, प्लेस सॉरी पैलेस, ये महल जो है बहुत बड़ा है, ग्रैंड. नेक्स्ट व्हाई डू यू ग्रिन, मींस आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं,
ग्रीन मीन्स मुस्कुराना, मुस्कान, ठीक है। द ग्रास हैज ग्रोन टॉल, ग्रास कैसी ग्रो हुई है, टॉल लंबी, ग्रास ग्रोन, दोनों वर्ड्स किसके हैं, ग्र साउंड के हैं, ऊपर भी जो हमने वर्ड्स पढ़े सब ग्र साउंड्स के हैं। अब देखते हैं प्रैक्टिस जोन 7 में हमें क्या करना है, मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स एंड राइट द करेस्पॉन्डिंग लेटर इन द बॉक्स, वन इज डन फॉर यू। स्टूडेंट्स यहाँ हमें पिक्चर दिया हुआ है और हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स भी हैं, तो जिस लेटर पर वो वर्ड लिखा हुआ है उसको हमें मेंशन करना है। जैसा कि एक आपको करके दिया हुआ है बॉक्स में, आपका ग्रैप्स, ग्रास, ग्रीन एंड लास्ट ग्रैड, तो फर्स्ट आपका कंप्लीट है, यहाँ पर ग्रास है तो ग्रास बी पर है तो यहाँ पर बी मेंशन है। उसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे बॉय क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है ना, तो हम देखेंगे कि मुस्कुराना कहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रीन सी पर लिखा हुआ है, ग्रीन मीन्स मुस्कुराना, तो आप यहाँ पर सी लिख देंगे, मुस्कान हो गया। नेक्स्ट ए प्लस क्या है, ये ग्रैड, इट इज ग्रैड, तो डी पर है तो आप यहाँ डी मेंशन कर देंगे। एंड ये पिक्चर आपका ग्रैप्स का है तो ग्रैप्स देखिए कौन से लेटर पर है, ए लेटर पर, ओके, तो आप यहाँ पर ए मेंशन कर देंगे, कंप्लीट ए मेंशन करके। तो इस तरीके से हमने वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 77, ओके, एंड कम टू द पेज नंबर 78, पेज नंबर 78, यस, वर्ड्स बिगिनिंग विद द एस टी मीन्स स्ट साउंड, किसका आएगा साउंड यहाँ पर, स्ट साउंड, देखते हैं। यू शुड स्टैंड अप स्ट्रेट, स्टे साउंड सुन रहे हैं ना आप, स्टे स्टे आ रही, स्टैंड स्ट्रेट है ना, यू शुड स्टैंड अप, तुम्हें क्या होना चाहिए, स्ट्रेट खड़े होना चाहिए, स्टैंड अप मीन्स खड़े होना। नेक्स्ट स्टॉप हियर मीन्स यहीं रुक जाओ। नेक्स्ट वेयर डू यू स्टे, आप कहाँ पर स्टे करने वाले हैं, ठीक है, या आप कहाँ रुके हैं। नेक्स्ट पिक अप द स्टिक, अपनी स्टिक उठाओ। नेक्स्ट क्लाइंब द स्टेप्स, यानी आपको चढ़ना है किसी स्टेप बाय स्टेप्स, ओके। प्रैक्टिस जोन 7 प्रैक्टिस जोन 8 में हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। जॉइन द लेटर्स एंड राइट द वर्ड्स, हमें लेटर्स को क्या करना है, ज्वाइन करना है और वर्ड्स यहाँ पर कंप्लीट कर देना है, जिससे आपका लेटर क्या है, एस टी ए एन डी, ये आपको ज्वाइन करेंगे तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्टैंड, ओके स्टैंड। नेक्स्ट एस टी आई सी के स्टिक, वेरी सिंपल, लेटर्स अलग अलग है, सिर्फ हमने क्या किया है उन्हें एक साथ लिख दिया है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया स्टैंड, एंड सेकेंड वर्ड इज स्टिक, एंड वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 78। इस तरह स्टूडेंट्स हमने पेज नंबर 78 मींस आपका जो चैप्टर है ये यहाँ पर आकर फिनिश होता है। एंड हम इसकी प्रैक्टिस जो आपकी जो आपकी ऑब्जर्वेशन बुक है उसमें हम इस चैप्टर की अदर एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, ओके, बट नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू, बाय बाय क्लास।